नीट एवं नेट केलेंकारी मोदी के आक्रमणे राहुल गांधी यूक्रेन युद्ध थामिए देव बोलें प्रश्न फाँस अटकाते पारछेन ना प्रश्न फाँसेर जोन्नो दायी नरेंद्र मोदी एई भावे आक्रमण शानाच्छेन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देशेर भविष्य निये छिनिमिनि खेलछे केंद्र सोमवार संसदे विषयटी तोला हबे दुर्नीतिर एपिसेंटर आगे छिलो मध्यप्रदेश और एखन गुजरात एवं उत्तर प्रदेश दुर्नीतिर ल्याबरेटरी मध्यप्रदेश एवं गुजरात बीजेपी थाकले दुर्नीति बाड़तेई थाकबे বলছেন রাহুল গান্ধী নীট এবং নেট কেলেঙ্কারি তৈরি করেছে জাতীয় সংকট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য কায়েম করেছে বিজেপি চাকরির সুযোগ কমিয়েছে এখন পড়াশোনার সুযোগও কমাচ্ছে এই বলে একেবারে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন রাহুল গান্ধী ভারত ছাড়ো ন্যায় যাত্রা মে মণিপুর সে হাম মহারাষ্ট্র গয়ে हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इसराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि यह देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे? हाँ जी। और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है? हाँ बिल्कुल, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हाँ उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। इसराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है।